राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार सभी को है, लेकिन इसी बीच जो चार्टर प्लेन है वो यहाँ पर बुक होना शुरू हो गए हैं, यानी बाड़ेबंदी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर राजस्थान में चुनावों के परिणाम के बाद यहाँ पर शुरू होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से जो अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी है उसको लेकर लगातार मंथन है वो यहाँ पर चल रहा है, और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला चंद घंटों बाद यानी 3 दिसंबर तक हो जाएगा। नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आदित्य आत्रे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे आज सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचती है और वहां देव दर्शन के बाद वो सीधे मेहंदीपुर बालाजी रवाना होती है और बालाजी के दर्शन करती है। और बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब भी कोई बड़ा काम करती है तो सबसे पहले वो देव दर्शन करती है, यानी क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को राजस्थान में मिल रही है, इसके कयास अभी लगाए जा रहे हैं। कयास क्यों लगाए जा रहे हैं इसको लेकर बात करते हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल में जो सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं अभी तक वो स्पष्ट नहीं है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार के दावे कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस की सरकार के दावे कर रहे हैं, और कुछ एग्जिट पोल में ये निकल के आ रहा है कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो जोड़ तोड़ से बनने वाली है। तो ऐसे में अब जो बीजेपी है जोड़ तोड़ की सरकार राजस्थान में बनाती है तो फिर उसकी कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर शायद कोई अहम जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को यहाँ पर सौंपी गई है। और वसुंधरा राजे पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिव राजस्थान में होती हुई नजर आ रही है, यानी केंद्र को पता है कि अगर राजस्थान में जोड़ तोड़ की सरकार अगर बनानी है तो फिर वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इसका एक अगर बात करें तो शुक्रवार देर शाम राज्यपाल से भी वसुंधरा राजे ने यहाँ पर मुलाकात की थी, और क्या कुछ इस मुलाकात के मायने हैं इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। लेकिन इसी बीच जो चार्टर प्लेन है वो भी बुक होना शुरू हो चुके हैं, जो प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी कुछ समय बाद, जैसे जैसे जो रिजल्ट जैसे ही राजस्थान का जारी होगा इसी बीच जो बाड़ेबंदी का दौर है वो भी राजस्थान में शुरू हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग जो तैयारियां हैं दोनों ही पार्टियों ने जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। देखिए, नतीजों से पहले कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के पूर्व जो CM है भूपेंद्र हुड्डा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो पूरी देखरेख राजस्थान के अंदर कर रहे हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो भी जयपुर पहुंचेंगे और हुड्डा की जो एक रिपोर्ट है वो यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच जो बागियों को से संपर्क करने का प्रयास है वो भी लगातार शुरू हो चुका है। CM अशोक गहलोत भी बीते दिन जो थे अपने प्रत्याशियों के साथ साथ चाहे बागी प्रत्याशी हो या फिर ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी जीत की उम्मीद नजर आ रही है उनसे संपर्क लगातार साध रहे हैं, यानी कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं ये मानकर बैठे हुए हैं कि राजस्थान में यदि जोड़ तोड़ की सरकार बनानी है तो फिर निर्दलीयों को यहाँ पर दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसा ही पिछली बार भी देखने को मिला था जब 2020 में गहलोत सरकार संकट में थी तो निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरी पार्टी से आए हुए कुछ जो विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन दिया था, जिसके बाद यहां पर सरकार अशोक गहलोत की बच पाई थी। और बीते दिनों जो PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने भी एक बयान जारी किया था कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अब ऐसी अहम जिम्मेदारी जो बीजेपी ने है, ऐसी कौन सी अहम जिम्मेदारी जो वसुंधरा राजे को सौंपी है, क्या केंद्र की तरफ से अब हरी झंडी मिल चुकी है वसुंधरा राजे को कि राजस्थान में CM कौन होगा आप तय करेंगी या आप एक बार फिर CM बनने वाली हैं, इस तरह के जो तमाम कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये भी एक चीज मानी जा रही है क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम वसुंधरा राजे करती है तो उससे पहले वो देव दर्शन करती है, यानी जो बड़े मंदिर हैं उनमें वो पूजा अर्चना करती है और उसकी एक वानगी आज देखने को भी मिली है। वसुंधरा राजे मोती डूंगरी मंदिर पहुंची, आज पुष्य नक्षत्र में उन्होंने जो है भगवान गणेश की आराधना भी वहां की और उसके बाद दौसा रवाना होने के बाद उन्होंने वह मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी किए। बहरहाल किस तरह की उनको जिम्मेदारी मिली है ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही
पता चल पाएगा। लेकिन राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है या कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है या फिर निर्दलियों का बोलबाला इन चुनावों के अंदर देखने को मिलता है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए द नगरी न्यूज के साथ।